हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस रेडियो कोडोसेन का DX286 मॉडल। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। इसके अंदर है ये एक केस, इसमें आता है रेडियो। ये बॉक्स को हम साइड पे कर लेते हैं। ये है एक कैरी केस, सबसे पहले ये इसका यूज़र गाइड है, बहुत ही डिटेल्ड यूज़र मेन्यू है इसका। ये देखिए, तकरीबन इसमें आई थिंक 30 पेजेस हैं। तो इसके फीचर और फंक्शंस इतने हैं। ये दो स्टिकर हैं, इसके ऊपर भी लगा सकते हो आप। दोनों साइड पे दो स्टिकर्स हैं और ये इसके साथ एक पाउच कह सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये इसकी चार्जिंग केबल है, ये है USB टाइप, सॉरी मिनी USB। तो ये है मेन यूनिट हमारी, हमारा रेडियो। चलो इसे ओपन करते हैं। ये है जी हमारा रेडियो। इसमें बैटरी इसके साथ नहीं आती, तो मैंने मेरा जो XH डेटा का D368 है उसकी XH डेटा की बैटरी इसमें लगाई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक की। लुक इसकी बहुत प्यारी है। ये इसकी बैकलाइट है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कह सकते हैं हम। और स्पीकर ग्रिल है, ये पावर बटन है, और बाकी ये इसके अलग अलग फीचर्स के लिए इसके बटन्स हैं। और इस साइड ये ट्यूनिंग नॉब है, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ऑटो मोड पे कर सकते हो और मैनुअल ट्यूनिंग कर सकते हो, फास्ट स्लो, और स्किल्स मोड है इसमें। और ये एनालॉग इसका वॉल्यूम नॉब है, ये चार्जिंग इसका पोर्ट है, और ये हेडफोन के लिए। हेडफोन इसमें FM स्टीरियो है। और इसके अलावा ऊपर की साइड इसके ये इसका भी पंटीना है, इस साइड कुछ नहीं है, सॉरी ये एक्सटर्नल एंटीना जैक है, और ये एक स्ट्रैप है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसका एंटीना अप्रॉक्सीमेट 19 इंचेस का होगा, मुझे लगता है 19 इंचेस। और इसकी बैक साइड पे बैटरी आपने देख ली। ये स्पीकर के लिए एक एयर के लिए छोड़ा गया है, जिससे अच्छी इसकी आवाज़ में बेस आती है। और ये इसकी डिटेल्स हैं फ्रीक्वेंसी की, FM 64 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, और लॉन्ग वे है इसका 144 से 519 किलो हर्ट्ज, मीडियम है 520 से 1710 किलो हर्ट्ज, और शॉर्ट वे है 1711 से लेके 27000 किलो हर्ट्ज के। ये इसका बैक स्टैंड है, ये बड़ा हल्का सा लगता है, डर लगता है इसको खोलने में टूट ना जाए। बाकी काम
चलाता है, ठीक है। और साइज़ इसका देखने में आपको काफ़ी लग रहा है, लेकिन बहुत ये पॉकेट साइज़ है, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा है साइज़ में ये। इसका कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास है XH डेटा का D368, ये देखिए, और ये आप देखेंगे तो इससे भी थोड़ा छोटा है, ये देखिए। मुझे लगता है ऊपर से तो ऊपर से थोड़ा ये, हाँ, पतला भी है उससे, ये देखिए XH डेटा उससे यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे दिल्ली के इंडियन मेड रेडियोज आते हैं उसके सामने तो ये इसका बच्चा ही है, ये देखिए जी। तो आपको अंदाजा लग जाएगा जितना इसका ये पैनल है उससे थोड़ा ही बड़ा है, या आप स्पीकर ग्रिल का हिसाब लगा लें उससे, तो ये इसका साइज है। बाकी आज के लिए इतना ही, सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो थी। इसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके फीचर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे, और इसके कंपैरिजन वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो दोबारा मैंने वीडियोस डालनी शुरू की है, तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने पहले कभी कहा नहीं, अभी टाइम निकाल के यार वीडियो करनी पड़ती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।